गाइज, ये था हमारा नेक्स्ट डे घर पर। तो हम सारी फैमिली सुबह ही निकल दिए मंदिर शिव जी के दर्शन करने, जो कि ये शिव जी का मंदिर आपको ऊंचाई पे दिख रहा होगा। इसकी हमारे यहाँ बहुत मान्यता है, बहुत माना जाता है कि यहाँ पे जाने से इच्छा भी पूर्ति होती है सबकी। सो हम लोग भी चल दिए आज दर्शन के लिए। और ये शिवलिंग कितना प्यारा लग रहा है ना, ये यहाँ पर बना हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर ही साइड में थोड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ऊंचाई पे जाकर बाबा का मंदिर है, जो कि है सिद्ध बाबा। और उसके साथ ही राधा कृष्ण का भी है वो, लेकिन अफसोस है कि बंद था क्योंकि आज सोमवार नहीं था। मे भी सोमवार को तो हमेशा खुलता है, इसलिए तो देख रहे होंगे आपको यहाँ पे गेट बंद है। लेकिन यहाँ पे हवा इतनी प्यारी चल रही थी कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। हम लोगों ने बाहर से ही दर्शन कर लिए और अपनी मन्नत भी मांग ली। इसके बाद हम वापस चल दिए घर के लिए। और वापस था 15 अगस्त, एंड उस दिन स्वतंत्र दिवस के साथ साथ दीदी का बर्थडे भी पड़ता है। और उसके लिए हमने थोड़े बहुत अरेंजमेंट कर लिए, केक वगैरह मंगा लिया। वैसे वो मना कर रही थी, वो मतलब मोस्टली मनाती नहीं थी, लेकिन मेरे जिद करने पर सब लोग मान गए। और मुझे पता नहीं क्यों बहुत एक्साइटमेंट होती है, मेरा ही नहीं किसी का भी बर्थडे हो, मुझे मन होता है कि छोटी छोटी खुशियां एंजॉय करें हम साथ में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मी, हैप्पी बर्थडे। खाने को मिलेगा तन्नू मुंह फाड़ रही थी बेचारी, लोचा हो गया। मुँह कैसे कर रहा है मम्मी, टीका करो मम्मी, टीका करेंगे। जा एफडी करवा दे। भगवान देता चप्पल पाड़ के देता। चलो मेरे किरदार आया नु ऐसे किया हमने साथ में बर्थडे सेलिब्रेट। ये छोटे छोटे पल ही हमेशा याद बने रहते हैं, तो इनको हमें हमेशा स्पेशल बनाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।